हेलो एंड वेलकम। तो मैं हूं मरियम, डेटा इज गुड से। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक्सेल में बेसिक फॉर्मेटिंग, इंसर्शन और डिलीशन कैसे किया जा सकता है, और एक्सेल के डेटा टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हम ये भी जानेंगे कि एक्सेल पढ़ना इतना ज़रूरी आखिर क्यों है, और एक्सेल हमें बिजनेस वर्ल्ड में कैसे हेल्प करता है। एक्सेल की स्ट्रॉन्ग नॉलेज से हम किसी भी फील्ड में डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी मटेरियल्स यूज किए हैं उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। यहाँ आप एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि PPT सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है dataisgood.com वो ओपन हो जाएगी, और जैसे कि आप देख सकते हैं हर लेक्चर के साथ एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये सब फ्री में डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप कहीं पर स्टक हो गए हैं या फिर फंस गए हैं तो आप इस फाइल्स को देख के ईजिली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की ट्यूटोरियल्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन आ जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम। तो इस कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि एक्सेल पढ़ना आखिर इतना ज़रूरी है क्यों, और एक्सेल हमें बिजनेस वर्ल्ड में कैसे हेल्प करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, जिसे हम विंडोज, एंड्रॉयड, macOS और iOS जैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। एक्सेल के स्ट्रॉन्ग नॉलेज से हम किसी भी फील्ड में डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले डेटा एंट्री एंड स्टोरेज। हम एक्सेल में किसी भी तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग के लिए भी हम एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल के पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम फ्लोचार्ट्स बना सकते हैं, ताकि हम डेटा को विजुअलाइज कर सकें और उसे समझ सकें। एक्सेल डेटा एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। हम पिवट टेबल्स का यूज़ करके पूरे डेटा की समरी निकाल सकते हैं, जो कि हमें डेटा इंसाइट्स जनरेट करने में हेल्प करेगा। एक्सेल की मदद से हम अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और किसी भी तरह के चार्ट्स या फिर ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। एक्सेल में वो सारे के सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं जिनसे हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल हमें टाइम सीरीज एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस दोनों के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्सेल एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसमें हर फंक्शन अवेलेबल है। उम्मीद है आप भी एक्सेल के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेल के यूजर्स के बारे में बात करी थी। इस लेक्चर में हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे ऊपर है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि टाइटल बार है। हमारी एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट नेम बुक 1 है। हम अपनी एक्सेल शीट्स को कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद सारे टैब्स की लिस्ट हैं, जैसे कि होम,
इंसर्ट, पेज एक्सेट्रा। हर टैब में अलग अलग फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑफिस बटन है जिसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि न्यू, सेव, सेव एज। न्यू पे क्लिक करने पर एक नई वर्कबुक क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A1 लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। A1 में A का मतलब होता है कॉलम नेम और 1 का मतलब होता है रो नेम। इन नंबर्स को हम बोलते हैं रो नेम्स एंड अल्फाबेट्स को बोलते हैं कॉलम नेम्स। किसी और सेल पे टैप करने से नेम बॉक्स पे सेल नेम भी चेंज हो जाता है। नेम बॉक्स की साइड में है फॉर्मूला बार, जहां पे हम अपने रिक्वायर्ड फॉर्मूलास लिखते हैं। सबसे नीचे हमारे पास शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 है। ये तीन शीट्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती हैं और इस आइकन पे क्लिक करके हम एक्स्ट्रा शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एक्सेल इंटरफेस को समझा है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेल इंटरफेस के बारे में पढ़ा था और अब हम इस लेक्चर में बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास ये एक्सेल वर्कबुक है जिसमें 8 कॉलम्स और 1000 रोज हैं। होम टैब पे हमारे पास ऑप्शंस हैं फॉन्ट और फॉन्ट साइज के, जिससे हम फॉन्ट्स और फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले वो सेल्स सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी है। सपोज हमें पूरी शीट का फॉन्ट चेंज करना है। पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए हम इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि कॉलम नेम्स एंड रो नेम्स के इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। पूरी शीट सिलेक्ट करने के बाद हमें जो भी फॉन्ट चाहिए हम उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट्स का साइज भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम फॉन्ट्स को बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक में चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। लेटर्स का डिफॉल्ट कलर ब्लैक है, हम उसे भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम सिलेक्टेड सेल्स में कलर फिल कर सकते हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए, और हम रोज और कॉलम्स की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं इस कर्सर को टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट स्लाइड करके। उम्मीद है अब आप भी एक्सेल में बेसिक फॉर्मेटिंग सीख गए होंगे। इस लेक्चर में हम रोज और कॉलम्स को डिलीट और इंसर्ट करना सीखेंगे। हमारे पास ऐसे कई केसेस आ सकते हैं जिसमें हमें कभी भी कोई एक्स्ट्रा रो या फिर एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ सकता है या फिर डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रो या फिर कॉलम को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। सपोज हमें नया कॉलम ऐड करना है, तो हम कॉलम नेम्स जहाँ पे है वहाँ पे कर्सर लेकर जाएंगे और जिस भी कॉलम के आगे हमें नया कॉलम चाहिए उसके कॉलम नेम पे जाके राइट क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट का। इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ऐसे ही नई रो ऐड करने के लिए हम रो नेम पे राइट क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। अब हमने रो और कॉलम इंसर्ट करना तो सीख लिया, अब हम देखते हैं कि रो या फिर कॉलम को डिलीट कैसे करें। जो भी रो या फिर कॉलम हमें डिलीट करनी है उस पे जाके राइट क्लिक करेंगे और फिर
उसमें इंसर्ट के नीचे ऑप्शन आता है डिलीट का। डिलीट पे क्लिक करते ही वो रो या फिर वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रो और कॉलम को इंसर्ट या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर में रो और कॉलम इंसर्ट और डिलीट करना सीखा। और अब इस लेक्चर में हम एक्सेल के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हर कॉलम का अपना एक डेटा टाइप होता है जो ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यूज उस कॉलम में हैं, जैसे कि नंबर्स हैं या फिर टेक्स्ट है या फिर डेट है। अब हम एक्सेल के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सेल में 11 यानी कि 11 डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट। हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सारे डेटा टाइप्स देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस डेटा टाइप का क्या यूज है। सबसे पहले आता है जनरल। जनरल का मतलब है कि हम किसी भी फॉर्मेट में वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो या फिर टेक्स्ट या फिर कोई और फॉर्मेट। उसके बाद है नंबर। अगर हम कोई सेल्स सिलेक्ट करते हैं और उनका डेटा टाइप नंबर में चेंज करते हैं और उसके बाद उस सेल में कुछ नंबर्स लिखते हैं, तो नंबर्स का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। 0.00 ऑटोमेटिकली अपीयर हो रहा है। इसका मतलब कि वैल्यूज नंबर डेटा टाइप की हैं। उसके बाद आता है करेंसी। हम दोबारा से कुछ सेल्स सिलेक्ट करते हैं और उनका डेटा टाइप चेंज करते हैं करेंसी में, और फिर अगर हम उन सेल्स में वैल्यू टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डॉलर साइन ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि वैल्यू करेंसी डेटा टाइप की है। उसके बाद आता है अकाउंटेंसी। इसमें भी कुछ सेल सिलेक्ट करके उनका डेटा टाइप अकाउंटेंसी में चेंज करते हैं और फिर कुछ वैल्यूज टाइप करते हैं, और ये बिल्कुल करेंसी डेटा टाइप की तरह नज़र आ रहा है, पर ये थोड़ा सा अलग है। कैसे? वो ऐसे कि इसमें डॉलर साइन और वैल्यूज के बीच में थोड़ी स्पेस है। और ये दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम करेंसी फॉर्मेट में 0 लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 0.00 डॉलर साइन के साथ, और अगर हम अकाउंटेंसी फॉर्मेट में 0 लिखते हैं तो हमारे पास डॉलर साइन और एक डैश आएगा। उसके बाद आता है शॉर्ट डेट। हम इसमें कुछ सेल्स सिलेक्ट करके डेटा टाइप शॉर्ट डेट में चेंज कर सकते हैं और लिखते हैं 4-5, तो एंटर करने पर ऑटोमेटिकली करंट ईयर आ जाता है। और अब अगर हम इसी को लॉन्ग डेटा टाइप में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास डेट शो होने का फॉर्मेट बदल गया है। अब जो मंथ है वो पूरा लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आता है टाइम डेटा टाइप। हम कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके उनका डेटा टाइप टाइम में चेंज कर देते हैं, और अगर टाइप करते हैं 1:34 तो हमारे पास आता है 1:34 AM, जहां पे 1 hour को रिप्रेजेंट करता है 34 minutes को और 00 seconds को। उसके बाद आता है परसेंटेज डेटा टाइप। अब हम डेटा टाइप परसेंटेज में चेंज कर देते हैं और लिखते हैं 23, तो हमारे पास आता है 23%, यानी कि वैल्यू का डेटा टाइप परसेंटेज है। उसके बाद आता है फ्रैक्शन डेटा टाइप। अब अगर सिलेक्टेड सेल का डेटा टाइप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और सिलेक्टेड सेल में कुछ टाइप करते हैं तो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ जाएगी।
उसके बाद आता है साइंटिफिक डेटा टाइप। अब हम सिलेक्टेड सेल का डेटा टाइप साइंटिफिक में चेंज करते हैं और फिर उस सेल में कुछ टाइप करते हैं, तो वो टाइप्ड वैल्यू साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद आखिरी डेटा टाइप है टेक्स्ट डेटा टाइप। हम एक सेल को सिलेक्ट करके डेटा टाइप टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं और फिर हम जो भी उस सेल में टाइप करेंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो हमने इस लेक्चर में एक्सेल के 11 टाइप्स के डेटा टाइप्स के बारे में जाना। आपको कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कॉमेंट करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय।